नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी के एक और नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीजीएल, सीजीएसएल, एमटीएस और रेलवे के एग्जाम्स के अंदर भी इंडियन पॉलिटी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट वन और इसके हम 7 से 8 पार्ट करेंगे जिसके अंदर कम से कम हम 300 से 400 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी के। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट वन। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पर्सन फाउंडली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान के रचयिता कौन थे, किन्होंने फाउंड किया था भारत का संविधान। तो चीफ आर्किटेक्ट कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर इसका आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। फर्स्ट अटेम्प्ट इन वर्ल्ड टू कंस्टिट्यूट अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय। तो सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई इसलिए जाती है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी अमेरिका के अंदर। तो इसका आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, The first attempt by Indian to write a constitution to India was done by a committee headed by Motilal Nehru, which is known as. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो भारत का संविधान था वो उसका पहला अटेम्प्ट कब हुआ था, मतलब कब बनाने की कोशिश की गई थी सबसे पहला भारत का संविधान। तो स्टूडेंट्स, नेहरू रिपोर्ट थी जिसके थ्रू मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो पहला अटेम्प्ट था इंडियंस द्वारा भारत का संविधान बनाने की। तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट, इसे कहा जाता था नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्लैश्ड बाय फर्स्ट टाइम। किसने दिया था भारत में भी एक संविधान होना चाहिए, ये आइडिया किसका था? तो स्टूडेंट्स, ये आइडिया दिया था एम एन रॉय ने। याद रखिएगा, एम एन रॉय द्वारा ये आइडिया दिया गया था कि भारत का अपना एक लिखित संविधान होना चाहिए। तो इसका आइडिया दिया था एम एन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द प्लान ऑफ सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय। तो किसके द्वारा ये प्लान दिया गया था कि भारत की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, इसके द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम अप कर सके? तो ये बताया था द कैबिनेट मिशन प्लान ने। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 के अंदर, जिसके थ्रू बताया गया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना चाहिए जिसके थ्रू निर्माण होगा भारत के संविधान का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं? तो दे आर इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। तो 1976 के अंदर 42वां अमेंडमेंट हुआ था। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि भारत के संविधान में 42वां अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था ये, और इसके अंदर कौन सा वर्ड जोड़ा गया था भारत संविधान में, वो था सोशलिस्ट। याद रखिएगा, सोशलिस्ट जोड़ा गया था 42वें अमेंडमेंट के अंदर, जो कि हुआ था 1976 के अंदर। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान बोरोड इन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश से लिया गया है? तो स्टूडेंट्स, ये लिया गया है यूएसएसआर से। इसे बाद में ये बाद में टूट गया था स्टूडेंट्स, जो रशिया में डिवाइड हो गया था, तो यूएसएसआर पहले कहलाता था। तो यहां से हमने लिया है 5-year कॉन्सेप्ट, यानी पंचवर्षीय योजना कॉन्सेप्ट को। 9th क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद जो अमेंडमेंट्स होती हैं बार बार, क्योंकि कुछ चीजें समय के साथ चेंज करनी पड़ती है हमारे संविधान के अंदर, ये अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर था वो कौन से देश से लिया गया था? तो ये प्रोसीजर लिया गया था साउथ अफ्रीका से। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट, जिसके अंदर मैं सारे कहां कौन से देश से क्या चीजें ली गई हैं इसको मैं समझाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अभी हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम बताएंगे कि कौन से देश से क्या चीजें ली गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच कंट्री इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अमेरिका और ब्रिटेन बेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के। सो नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ऋग्वेदा एरा। तो ग्रामा जो था वो एक नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, यानी कि गणतंत्रता नहीं थी उसके अंदर, लोग नहीं चुनते थे, तो वो थे ग्रामा। आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द मेडिवल इंडिया विच किंग फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो किस राजा ने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया था, तो वो थे चोलाज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर, याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1600 में। क्वेश्चन नंबर 14, विच चार्टर एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी टू मेक बायलॉज रूल्स रेगुलेशन इन कंफर्मेटरी विद द ब्रिटिश लॉज। तो ये था चार्टर 1726, जिसने पावर दे थी इनको कि वो बना सके रूल्स रेगुलेशंस और बायलॉज को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो स्टूडेंट्स, ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी, गवर्नर उस समय के थे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के, और उन्होंने स्टार्ट की थी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, हर बार एग्जाम में किसी ना किसी सेट के अंदर ये पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के संविधान इतिहास के अंदर सबसे पहला लिखित डॉक्यूमेंट कौन सा था, तो ये था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिएगा, सबसे पहला लिखित डॉक्यूमेंट था भारत के संविधानिक इतिहास के अंदर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने सबसे पहला बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो शब्द था यूज हुआ था सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज किया गया था इस एक्ट के अंदर। अब आते हैं स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन पे, विच एक्ट क्रिएटेड द फॉर द फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्रिएट किया गया था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला लिखित यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट भी यही है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसी के अंदर सबसे पहले यूज किया गया था द सुप्रीम कोर्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो पहली लॉ कमीशन कब बनाई गई थी, ये स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए सबसे पहली जो लॉ कमीशन बनाई गई थी वो किसके अंडर चेयरमैनशिप में थी, वो थी लॉर्ड मैक्रोल के, लॉर्ड मैक्रोल के अंडर चेयरमैनशिप के अंदर बनाई गई थी सबसे पहली फर्स्ट लॉ कमीशन, जो कि मॉडिफिकेशन कर रही थी लॉज के अंदर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत कहां से की गई, कौन से एक्ट से शुरुआत की गई, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा था चार्टर एक्ट 1853 से भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई। जैसे कि आप जानते हैं भारत के अंदर संसद है, जिसके अंदर दो सत्र हैं, दो इसकी सभाएं होती हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा के अंदर मेंबर्स 552 हैं और राज्यसभा के अंदर 245 है। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश का, इसकी जो बिगनिंग हुई थी ये हुई थी चार्टर एक्ट 1853 से। 22वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू देयर हैंड्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, जब भारत का जो पूरा राज था वो जितने भी इसके यहाँ के अफेयर्स थे वो सारे चले गए थे इंग्लैंड के ताज के पास, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858। अब ये एक्ट क्यों आया था स्टूडेंट, 1857 के अंदर भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया, बहादुर शाह जफर ने अगुवाई की थी मुगल सेना की। तो स्टूडेंट्स 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके खत्म होने के बाद जब अंग्रेज सरकार जीत गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ का जो सारा कारोबार था वो छीन लिया गया, और सारा का सारा अफेयर्स जो था, जितना भी यहाँ का कामकाज था, वो चला गया सारा के सारा इंग्लैंड के क्राउन के पास। इंग्लैंड की जो रानी थी उस समय उनके अंडर आ चुका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा काम, और उसी समय आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और यही कहलाता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन ऑफ द प्रिंसेली स्टेट इन इंडिया एंड हेंस नोन एज
वाइसराइज ऑफ इंडिया, इन्हें वाइसराइज ऑफ इंडिया भी कहते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ पर ये पूछा गया है स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने पहली बार भारतीयों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी लेजिस्लेचर के अंदर आ सके और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं उसका एक हिस्सा बन सके। तो ये सबसे पहले कौन सा एक्ट था जिसने इंडिया के इंडियंस को ये अपॉर्चुनिटी दी थी, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर सबसे पहले ये बताया गया था कि इंडियंस को भी लिया जाना चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर, ताकि वो भी अपने देश के कानून व्यवस्था के अंदर अपना योगदान दे सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, यहाँ पर स्टूडेंट पूछा गया विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। अब स्टूडेंट्स, इलेक्टोरल सिस्टम हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो इलेक्टोरल सिस्टम का एक पार्ट है, तो सबसे पहले कौन सा एक्ट था जिसने इलेक्टोरल सिस्टम को स्टार्ट किया था इंडिया में, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यही एक्ट था स्टूडेंट्स जो आया था आजादी की क्रांति 1857 के बाद, याद रखिएगा इसको, जब हमारे देश का पूरा जो कामकाज था वो चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन कर ले लिया था इंग्लैंड के क्राउन ने। तो स्टूडेंट्स, ये थे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इनके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे पार्ट्स बना सकूँ पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं एसएससी के, जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के, मैं इनके ऊपर सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसमें चेंजेस ला सकूं और अपने कंटेंट को और बेटर बना सकूं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहिए।